उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भेल जिले में आयोजित छठ पूजा महापर्व के अवसर पर बधाई देने के लिए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा पर्व के लिए सभी को बधाई दी और कामना की कि छठ मैया सब पर कृपा करें और सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में छठ पूजा पर्व को मनाने वाले स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तो भाद्राबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे और छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत के पहुंचने से वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए हैं। जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएँ हैं छठ पूजा को लेकर उसके बारे में भी यहाँ पर हरीश रावत बातचीत करते हुए नजर आए हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पूर्वाचल समाज के बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं और जो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो बीएचएल कंपनी है यहाँ पर जो लोग जो कर रहे हैं और करते थे वो यहीं पर क्योंकि रह रहे हैं तो एक छठ पर्व का बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आज पूर्वाचल की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सेक्टर 4 बीएचएल सामुदायिक केंद्र में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भारी संख्या में आप देख ही रहे हैं काफी संख्या में पूर्वाचल समाज की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। जो सबके आराध्य है उनका पूजन प्रारंभ होगा नहाय धोए के, तो मैं उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जो गर्भगृह से प्रधानमंत्री जी के उसके प्रसारण का सवाल है उस पर ज्यादा विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अब सब लोग सवाल करेंगे, प्रशासन से भी करेंगे, मंदिर समिति से भी करेंगे, केदारनाथ मंदिर समिति से, और साथ ही साथ जो है जो वहाँ पर पुजारी गण है उनसे भी कहेंगे कि साहब हम क्यों न ले जाए, हमको मोबाइल भी नहीं ले जाने दे रहे। एक बार परंपरा टूटती है तो फिर शिव के सामने तो सब लोग बराबर है, हर कोई क्लेम करे। प्रधानमंत्री जी ने जो परंपरा तोड़ी, किसी ने जो उनके सामने रखा होता है ये परंपरा है यहाँ की, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करते, मुझे पूरा विश्वास है।